खट्टा है। फाइनली दोस्तों हम लोग गुफा के सामने वहीं का। तो दोस्तों नमस्कार, नेताम जी ब्लॉग चैनल है, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नए वीडियो में आ गए हैं। आज का वीडियो अलग ही होने वाला, क्योंकि आज आप लोगों को गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में, जो कि बुढ़गढ़ टप्पा के और बनुआपारा के बीच में चिपेड़, जो कि रेवती पहाड़ है, वहीं का आज वीडियो होने वाला है। फाइनली हम लोग बाबा धाम, जो छिपा बन बोलते हैं या रेवती पहाड़, तो हम लोग वहीं पर पहुंचे हुए हैं। यहीं पर बाबाओं का जो कि पहरी भी चलता है, इस साल भी होगा 9-10 तारीख को। तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे ही घूमने चले आ गए हैं, देखिए इसी जगह पर ही होगा पहरी का। कहीं पर बाबा लोग मिनिमम आम जाम का पौधा विभिन्न प्रकार का लगाए हैं, देखिए पौधा ही बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। आम का पौधा और नारियल, काजू, देखिए और कुछ पेड़ में तो आम लगना ही, फल देना ही शुरू कर दिया है, देखिए। ऐसा कुछ सीन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए कुछ ऐसा है। और इस पहाड़ को छिपा पानी या रेती पहाड़ भी बोलते हैं। और जो आगे देख रहे हैं झोपड़ी नुमा, उसी में ही बाबाओं का पहरी किया जाता है। वहीं पर नल वल का भी व्यवस्था हो गया है। तो दोस्तों देखिए ऐसा कुछ आम जाम वगैरह पौधा का किया गया है। तो दोस्तों यहीं पर मिनिमम आम जाम और काजू, वैसे कुल मिला के 400 पौधा जगाया गया है यहाँ पर, जो कि बीच जंगल में। तो सभी पौधा जगा है और सामने में नल कूप भी खोदा गया है पानी वानी सुविधा के लिए, पीने के लिए। और देखिए कुछ ऐसा सीन है। तो दोस्तों बीच जंगल में 400 पौधा का लगाना मायने रखता है। और कुछ
आम पेड़ में तो आम भी फल दे चुका है, तो भी जंगल में मायने रखता है 400 पौधा पेड़ जगाना। और आम पेड़ काजू वगैरह बड़ा बड़ा भी हो गया है। दोस्तों यह पहरी का मेला लगने वाला है, तो कुछ तैयारियां चल रहा है। तो दोस्तों ये मेला में पानी का ज़रूरत पड़ेगा, तो नल का व्यवस्था कुछ ऐसा किया गया है, देखिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ, ऐसा है। अभी तो साफ़ सुथरा नहीं किए हैं, पूरा गंदा ही पड़ा है। ले चलता हूँ, जो कि ऊपर जो चट्टान से पानी निकलता है, आप लोगों को वहीं का थोड़ा सा सीन दिखाऊँगा। वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ऊपर चढ़ने के रास्ता पर दो बाघ सुंदर सा बनाया गया है, देखिए। दोस्तों आगे चढ़ते हैं, जो कि ऊपर से पानी झरन गिरता है, वहीं का सीन दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों को मिनिमम 100 से मिनिमम 250 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वही झरन के पास पहुंचेंगे। दोस्तों रास्ता का कुछ ऐसा हाल है, देखिए ये पहाड़ का। और दोस्तों सावन में बहुत लोग कांवड़िया यहाँ आते हैं घूमने के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग गुफा के सामने पहुंच चुके हैं। ऐसा गुफा का कुछ सीन है, देखिए। दोस्तों पैदल चलने में बहुत थक लग गया, और देखिए, और मेरे पीछे का सीन कुछ ऐसा है, देखिए। मस्त प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। तो दोस्तों देखिए गुफा का सीन कुछ ऐसा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़दीक में जा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा सीन है। और दोस्तों ये देख रहे हो, यह पाइप में पानी निकल रहा है, देखिए देखिए हल्का हल्का पानी, प्यास तो बुझ ही जाएगा इतना पानी में। और ऐसा कुछ सीन है, और देखिए दोस्तों ऐसा है। तो दोस्तों देखिए ऐसा सीन है, और उस पत्थर के चट्टान से पानी निकल रहा है, जो कि पाइप के माध्यम से नीचे तक आ रहा है। और ऐसा सीन है, यहाँ पहले बाबा का निवास था, अब टाइम या काम करने पर आते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ मेला लगने वाला है, बाबाओं का जो पहरी का कार्यक्रम किया जाएगा। और दोस्तों यहीं पर ज़्यादा सावन के माह में कांवड़िया आते हैं देखने के लिए। और मेरे पीछे का सीन ऐसा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ सामने भी गुफा है, देखिए यह सामने अंदर में सुरंग है। कुछ लोग अंदर गए हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं जाएंगे भैया अंदर। तो दोस्तों देखिए प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा दिख रहा है। और दोस्तों देखिए वो जो दिख रहा है वो बुढ़ेल डप्पा गाँव है।
दोस्तों देखिए चट्टान बेहद ही मस्त सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उस झरने के सामने पहुंच चुके हैं। देखिए पत्थर के बीच में निकल रहा है पानी और इतना ऊपर में पानी निकलना एक सोचने वाली बात है। देखिए आदमी का प्यास ज़रूर बुझाएगा। दोस्तों यहीं पर ही पूजा पाठ किया जाता है, सावन के महीने में ही कांवड़िया आते हैं तो यहीं पर नहा धो के पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ पर शिवलिंग पत्थर का बनाया गया है। देखिए और यह पहाड़ को रेवती पहाड़ बोलते हैं, जो कि पहाड़ को रेवती पहाड़ बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बाबा धाम और कीपैड़ से ज़्यादा लोग जानते हैं। देखिए कुछ ऐसा सीन है मेरे पीछे साइड का। देखिए मैं इस झरने का पानी पी के देखता हूँ कितना स्वादिष्ट है। तो दोस्तों इस पत्ते में पानी पीऊँगा। पानी तो मस्त है, ठंडा एवं शुद्ध अच्छा लग रहा है, फ्रिज के जैसा। ये है दोस्तों कांदा डोंगर और ये जो अंदर में है ये गुझिल डप्पा है, क्लियर तो नहीं दिख पा रहे हैं। और ये देखिए पूरा प्राकृतिक से भरपूर पहाड़। दोस्तों हम लोग अभी इधर चारों तरफ घूम चुके हैं और हम लोग अभी नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ मूर्ति एवं सांप का शेप बना रहे थे, नांग सांप देखिए। और यह मूर्ति बनाया जा रहा था लेकिन आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। और दोस्तों देखिए पूरा जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं और नीचे पानी वगैरह पीने के बाद आम तोड़कर खा रहे हैं। खट्टा है। दोस्तों यह जगह दुर्वागुड़ी से मिनिमम 15 किलोमीटर दूर है और गुड़खेल टप्पा से 5 किलोमीटर, ये जो चीपेड़। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो कि पहाड़ एवं पर्वत से प्राकृतिक से भरपूर था, आप लोगों को कैसा लगा जो कि चीपेड़ एवं रेवती पहाड़ का वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। और जो भी दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त फ्रेंड एवं फैमिलियों के बीच में यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल बिल्कुल फ्री है और आप लोगों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को बीच में मैं अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।